आप दुबई यूएई में काम करते हैं, आपके पास यहाँ का रेसिडेंसी वीजा या इमिग्रेशन आईडी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो जब आप दुबई यूएई से अपने होम कंट्री या तो अन्य किसी भी कंट्री ट्रैवल करती है तो अपनी इमिग्रेशन आईडी साथ में रखें, क्योंकि रिसेंटली कुछ इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोगों को एयरपोर्ट में रखा गया था, वो लोग ट्रैवल नहीं कर सके। तो हुआ क्या था, एक्चुअली कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स को मतलब इंडियन प्रवासियों को इमिग्रेशन आईडी का फिजिकल कॉपी ना होने के कारण फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया, क्योंकि उन लोगों के पास इमिग्रेशन आईडी का फिजिकल कॉपी नहीं था, डिजिटल कॉपी था। वो लोग मतलब एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, इमिग्रेशन ऑफिसर को यूई पास में जो डिजिटल कॉपी होता है, इमिग्रेशन आईडी का डिजिटल कॉपी, वीज़ा कॉपी, सारा सब कुछ दिखाया था, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने फिजिकल कॉपी मांगा था और उन लोगों के पास फिजिकल कॉपी नहीं था, वो लोग भूल गए थे, मतलब कैरी वो लोग साथ में कैरी नहीं किया, वो लोग भूल गए थे, शायद इमरजेंसी में ट्रैवल किया था और वो लोग भूल गए थे, तो इसलिए इमिग्रेशन ऑफिसर ने ट्रैवल की अनुमति नहीं दिया। लेकिन वो लोग जब दुबई से ट्रैवल किया था तो दुबई एयरपोर्ट पर तो डिजिटल कॉपी दिखाया था, वो लोगों ने यूएई पास में जो वीज़ा कॉपी इमिग्रेशन कॉपी था वो दिखाया था, और यहाँ से तो अलाउ कर दिया था, लेकिन होम कंट्री एयरपोर्ट में अलाउ नहीं किया जब वो लोग इंडिया से दुबई आ रहे थे। कुछ लोगों को मैंगलोर एयरपोर्ट पर रोका गया था, कुछ लोगों को केरला का जो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है वहाँ पर भी रोका गया था। हालांकि देखिए ये जो डिजिटल कॉपी ये भी वैलिड है, लेकिन होम कंट्री एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन लोगों ने उन्होंने कहा था कि फिजिकल कॉपी ही चाहिए। तो इसलिए ट्रैवल के समय ऑलवेज अपना इमिग्रेशन आईडी का फिजिकल कॉपी साथ में रखें, ये कैरी करना चाहिए, ये आप मत भूलें, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, आपका जो टिकट का पैसा वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो उन लोगों का क्या हुआ था, टाइम बर्बाद हुआ, टिकट का पैसा वेस्ट हुआ, सब कुछ मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर से यूएई से शायद 5 दिन या 6 दिन बाद इमिग्रेशन आईडी का फिजिकल कॉपी भेजा गया और फिर टिकट बुकिंग करके फिर ट्रैवल किया। तो ये गलती ना करें दोस्तों। देखिए अभी पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैम्पिंग नहीं होता है, तो आपका इमिग्रेशन आईडी सब कुछ है, वो वीज़ा का भी सब कुछ, सारा सब कुछ आपका इमिग्रेशन आईडी है, तो इसलिए ये कैरी करना चाहिए। दुबई यूएई की एयरपोर्ट से आपको छोड़ देंगे, लेकिन आपका जो होम कंट्री या अन्य किसी भी कंट्री में आपको रोक सकते हैं, तो इसलिए ट्रैवल के समय अपना इमिग्रेशन आईडी जरूर कैरी करें। तो आप लोगों तो मुझे आज आप लोगों को क्लियर हो गया, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।